मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे पालक की बहुत ही करारी, टेस्टी और चटपटी पूरी, जो खाने में मजा आ जाएगी। तो इस समय हरी भरी पालक बाजार में, मार्केट में हमें बहुत आसानी से मिल जा रही है। स्वादिष्ट और सेहतमंद होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए पालक, तो इसकी पूरी हमें बनाकर जरूर खाना चाहिए। तो हमने 250 ग्राम पालक लिया है और मैंने इसके पत्ते तोड़ लिए हैं। आप देख सकते हैं इसका डंठल जो है हमने निकाल दिया है और मैंने इसे धो करके रख लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम ब्लांच करेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया है, पानी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसे हमें उबालना नहीं है, बस एक मिनट के लिए हमें पानी में डाल देना है। और हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैंने छोटा चम्मच लिया है, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। इससे क्या होगा, पालक हमारा जो है अच्छे से गल जाएगा बहुत जल्दी और इसका हरापन जो है वो भी बना रहेगा। तो बस एक मिनट के लिए इसे हम छोड़ देते हैं गर्म पानी में। तो हमने गैस को बंद कर दिया है और पालक को हम निकाल लेंगे। तो पालक को मैंने निकाल लिया है, अब चलिए इसे हम पीस लेते हैं। इसे हम डालेंगे मिक्सर जार में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। और इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे ना, तो हमने लिया है सौंफ, ये खड़ी सौंफ है, एक छोटा चम्मच इसके अंदर हम सौंफ डाल देंगे, एक छोटा चम्मच खड़ा जीरा, मैंने एक टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च को छोटे टुकड़े में काट लिया है, इसे डालेंगे। ये सारी चीजें डालने से पूरी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी, क्योंकि हम पालक मसाला पूरी बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर, इसे भी डालेंगे। और डालेंगे हरी धनिया कटी हुई, थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, मैंने पालक में भी पहले से नमक डाला था। और ये सारी चीजें हम पीस लेंगे और इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि पालक में पानी है तो ये आराम से पीस जाएगा। इसे हम पीस लेते हैं। तो पालक को मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसका गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको लगता है कि पालक नहीं पीस रही है, तो 1-2 चम्मच आप पानी डाल सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमें इसे आटे में गूंथना ही है। तो चलिए हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं पूरी के लिए। तो हमने एक थाली ली है, इसमें हम आटे को गूंथेंगे। तो हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, इसे हम डाल लेंगे इसमें। मैंने इसे छान करके रख लिया है और इसके अंदर डालेंगे हम घी, जिससे हमारी पूरी खस्ता और करारी बने। 1 चम्मच घी डाल देंगे इसमें, इसको मिक्स कर लेंगे। और पालक में हमने सारे मसाले पहले से ही डाल दिए हैं, हम क्या करेंगे, तो पालक की प्यूरी जो है इसे आटे में हम डाल देंगे। तो इसे हम आटे में मिक्स करेंगे, अगर हमें बाद में पानी की आवश्यकता होगी तो इसके अंदर हम डालेंगे। पहले हम इसे पालक में ही अच्छे से गूंथेंगे और इसका टाइट डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है डो को, इससे पूरी हमारी अच्छी बने। तो आटे को इकट्ठा करते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन हमें थोड़ी सी पानी की आवश्यकता होगी। तो हमने जार में पानी डाल दिया है, जिसमें मैंने पालक को पीसा था, तो इसी से थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसी से इसका हम डो तैयार कर लेंगे। तो ये डो हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे ऊपर से, पूरे डो में लगा देंगे। और घी लगाने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट के लिए। तो जब तक ये आटा हमारा रेस्ट ले रहा है, तब तक हम बहुत अच्छी सी चटपटी सी लहसुन की चटनी बनाकर आपको बताएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमने लिया है लहसुन, तो 5 से 6 डंडी हमने हरे लहसुन की ले ली है। हरे लहसुन आप देख सकते हैं, जो हरा लहसुन मार्केट में आता है, इसे मैंने अच्छी तरीके से साफ करके और इसका जो सूखा हुआ पत्ता है मैंने निकाल दिया है, इसको मैंने काट करके छोटे पीसेस में कर लिए हैं। इसकी चटनी बहुत टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है, हमारे पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक भी होती है। और हमने लिया है हरी धनिया थोड़ी सी, इसे भी डालेंगे इसके साथ ही इसमें। और हमने हरे लहसुन की चटनी, अचार आप कह सकते हैं, और लहसुनहर भी मैंने बनाई है, जो उसे पूरे साल भर के लिए आप रख करके खा सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं और उसे बना सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए पहले इसकी हम चटनी बना लेते हैं। तो हमने हरी धनिया और लहसुन ले लिया और इसके अंदर डालने के लिए हमने लिया है 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का, जो मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है।
इसी के साथ ही इसमें डाल देते हैं। और अब हम ले लेंगे एक जार, इसके अंदर सारी चीजें डालेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, तो नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, तो आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर। ये खड़ा जीरा हमने लिया है, तो एक छोटा चम्मच ये खड़ा जीरा है, इसे भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और एक छोटा चम्मच सौंफ भी डालेंगे, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और हमने लिया है एक चम्मच आमचूर का पाउडर, इसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे बहुत चटपटी चटनी हमारी बनेगी। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे चटनी को पीसने के लिए, 3 से 4 बड़े चम्मच पानी इसके अंदर हम डालेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। तो हमारी बहुत ही चटपटी टेस्टी लहसुन की चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे रोटी, पराठे, चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है खाने में और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो चलिए हम पूरियां बना लेते हैं और आटे को चेक करते हैं। तो आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है पूरी बनाने के लिए, हल्का सा मसल लेते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे जैसे हम पूरी बनाते हैं। तो चलिए हम पूरियां बना लेते हैं। पूरी बनाने के लिए हमने चकला लिया है, तो जहां तक कोशिश करें इसके ऊपर आटा ना लगाएं। इससे क्या होता है, अगर ज्यादा आटा लग जाता है तो एक तो हमारा तेल खराब हो जाता है और ये पूरियां जो होती है हमारी वो ज्यादा हरी नहीं दिखती, तो इसलिए हम ऐसे ही इसे बेलेंगे और ये आराम से पूरी इसकी बन जाती है, चिपकती नहीं है। चारों तरफ से अच्छे से इसे बेल लें, आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है, हरी हरी पूरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इसे भी हम फ्राई करेंगे, तो थोड़ी सी पूरी हम पहले इसी तरीके से बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो कुछ पूरियां हमने बेलकर तैयार कर ली हैं, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे डीप फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और आधे से तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। मैंने थोड़ा सा आटा डाला है तो तलकर ऊपर आ गया है, तैर करके तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए इसके अंदर हम पूरियां डालते हैं। तेल हमारा गर्म है, आंच को हमने मीडियम किया है, तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए तभी पूरी हमारी फूलेगी। डालेंगे, इसे पलट देंगे, फटाफट ही तलकर तैयार हो जाती है, खाने में तो बहुत टेस्टी, बहुत करारी होती है। पूरी हमारी तलकर तैयार हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। इसे भी निकाल लेंगे, इसी तरीके से सारी पूरियों को हम तलेंगे। तो चलिए हम गर्मा गर्म पूरियों को सर्व करते हैं और आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी और टेस्टी पूरी हमारी बनकर तैयार हुई है। मैंने इस पूरी को आलू की सूखी सब्जी के साथ रखा है और ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, और इसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और मैंने इसे लहसुन की चटनी के साथ रखा है, ये हरी लहसुन की चटनी जो होती है खाने में बहुत टेस्टी होती है, तो एक बार आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, इसके साथ खाने में मजा आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी चटपटी और करारी पूरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से इसे बनाइए और इंजॉय करिए, फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी ये पूरी सब्जी चटनी कैसी बनी।